हीट वेव्स इस साल इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि लोगों का हो गया है बुरा हाल। यही नहीं, इलेक्शंस के समय वोटर्स को ही नहीं लेकिन कैंडिडेट्स को भी दिक्कत हो रही है। लेट अप्रैल में जब मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी बेहोश हुए, फिर वो स्टेज पे कोलैप्स हुए। यही नहीं, हमने सिमिलर केस एक न्यूज एंकर के साथ भी देखा जब वो रिसेंटली फेंट हो गई थी जब वो अपने खबरें पढ़ रही थी। इंडिया के कुछ पार्ट्स में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इंडिया के इलेक्शन का 7th फेज अपने एंड तक पहुंच गया है, जहां 970 मिलियन वोटर्स, 15 मिलियन इलेक्शन ऑफिशियल्स और कई हजार कैंडिडेट्स इस गर्मी का सामना कर रहे हैं, जहां उन्हें अपने कैंपेन्स फिनिश करने पड़ रहे हैं। क्योंकि वोटर्स दिन के समय आउटडोर पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए जाने को राजी नहीं है, लीडर्स को अपने कैंपेन रीशेड्यूल करने पड़ रहे हैं टू अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को एडवाइस किया कि वो अम्ब्रेलाज, हैट्स और ड्रिंकिंग वाटर कैरी करें व्हाइल मेकिंग डोर टू डोर विजिट्स। कुछ लोग नारियल पानी ले रहे हैं अपने बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। वोटर टर्नआउट इस बार काफी लो हुआ है एज कम्पेयर टू 2019। इंडिया इस साल काफी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस कर रही है, जैसे कि फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स और हीट वेव्स जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। लास्ट ईयर 2023 इंडिया की सेकेंड वार्मेस्ट ईयर थी सिंस 1901। वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुई थी इन 2016। लास्ट ईयर करीबन 13 लोगों की डेथ हुई फ्रॉम हीट स्ट्रोक इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अप्रैल आफ्टर अटेंडिंग स्टेट अवार्ड सेरेमनी, जहां होम मिनिस्टर अमित शाह गेस्ट थे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओवरऑल 264 लोगों की डेथ हुई ड्यू टू हीट वेव्स इन 2023। साइंटिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज से हीट वेव्स 30 गुना ज्यादा हो गई है। वोटर्स की एक्सरसाइज जून 4th तक चलेगी। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।